नमस्कार दोस्तों, रणवीर सिंह की दिसंबर के लास्ट वीक में रिलीज हुई फिल्म सिम्बा ने बॉक्स ऑफिस पर धुएं उठा दिए हैं। ये मैं अपनी भाषा में कह रहा हूँ कि धुएं उठा दिए हैं, और अब रोज़ रोज़ नए आंकड़े आ रहे हैं सामने कि ये फिल्म इतना रिकॉर्ड बना चुकी है, इतना पैसा कमा चुकी है, इतना पैसा कमा चुकी है। इस फिल्म ने लगभग 300 करोड़ का बिजनेस वर्ल्ड वाइड कर लिया है, और इस फिल्म की सफलता को अप्रत्याशित मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि सिम्बा एक आम मसाला फिल्म थी। जैसे कि आपने मेरा रिव्यू देखा होगा, सिम्बा को उसी श्रेणी की फिल्म मारा जा रहा था जिसमें सिंघम वगैरह आती हैं। रोहित शेट्टी की फिल्में इसी तरह की एक्शन फिल्में होती हैं और उनमें मसाला होता है, कंटेंट इतना रिच नहीं होता, केवल प्रेजेंटेशन होता है। उस लिहाज से सिम्बा को इतनी बड़ी सफलता नहीं माना जा रहा था। सबका आकलन था कि सिम्बा शायद 100-125 करोड़ का बिजनेस करेगी, लेकिन ये फिल्म 300 करोड़ का वर्ल्ड वाइड बिजनेस खींच ले जाएगी ये किसी को उम्मीद नहीं थी। अभी मैं रणवीर सिंह का एक इंटरव्यू रिसेंटली देख रहा था, तो उसमें रणवीर ने भी कहा कि मुझे खुद यकीन नहीं था कि मेरी फिल्म इतनी बड़ी सफल होगी। वो सिंगल स्क्रीन सिनेमा में गए, वहाँ उन्होंने लोगों का रिएक्शन देखा, लोग सीटियाँ बजा रहे थे रणवीर के आने पे, और उनका कहना था रणवीर का कि ये इस तरह की फीलिंग उन्होंने कभी तब देखी थी जब वो अक्षय कुमार या अजय देवगन की फिल्में सिनेमा में देखा करते थे। तो उस तरह की फीलिंग, सुपरस्टार फीलिंग खुद रणवीर सिंह ने महसूस की। रणवीर सिंह इस दौर में पहुंच चुके हैं कि अब उनका स्क्रीन पे प्रेजेंट रहना स्टार्स वैल्यू का एक बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि इस तरह की स्टार वैल्यू अभी सिर्फ या तो सलमान खान में थी, आमिर खान में थी, या अक्षय कुमार में थी। अब रणवीर सिंह भी उसी पायदान पर आ गए हैं। इस फिल्म की सफलता ने रणवीर सिंह को ये एक स्टारडम दे दी है कि अब उनके नाम पर दर्शक सिनेमा में आ सकते हैं, फिल्म का कंटेंट कुछ भी हो। ये बड़ी बड़ी बात है। एक ऐसा लड़का जो बॉलीवुड से बिलोंग नहीं करता है, किसी खान फैमिली से नहीं है, कपूर फैमिली से नहीं है, उसके नाम कोई बड़ा टैग नहीं लगा है, और उसके बाद बाहर से आता है और 6-7 साल के अंदर ही इतना बड़ा स्टार बन जाता है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। रणवीर सिंह को मैं इसके लिए बधाई देता हूँ। मैं 2 बार रणवीर सिंह से मिला हूँ। एक बार उनसे मुलाकात हुई थी 3-4 साल पहले, जब वो किल दिल फिल्म की प्रमोशन के लिए घूम रहे थे, परिणीति चोपड़ा और अली जफर उनके साथ थे। उस समय मुझे रणवीर बड़े खिलंदर टाइप के आदमी लगे थे। रणवीर सिंह किसी भी चीज़ को सीरियस ना लेने वाले आदमी लगे थे। मुझे लगा था कि वो शायद इसी तरह के कैरेक्टर भी प्ले करेंगे, लेकिन उन्होंने मुझे गलत साबित किया। इसके बाद मैं उनसे मुंबई में मिला 2015 में, नवंबर में, तो वो बाजीराव मस्तानी का प्रमोशन कर रहे थे। मैंने रणवीर सिंह से ये बात कही कि रणवीर, बाजीराव मस्तानी में काम करने के बाद तुम्हारी पर्सनैलिटी में बदलाव आया है। रणवीर ने ये बात स्वीकार की। उसने कहा, सर जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, संजय लीला भंसाली ने मुझे सीरियस रहना सिखा दिया, और यही सीरियसनेस थी काम के प्रति कि आज रणवीर सिंह सलमान खान और अक्षय कुमार इस कैटेगरी के अभिनेता बन गए हैं। उन्हें बहुत बहुत बधाई। वो मेहनती हैं, पूरे जोश खरोश के साथ फिल्म करते हैं, और डायरेक्टर जो कहता है उस पर 200% देने की कोशिश करते हैं। संजय लीला भंसाली ने तो ये भी कहा था कि मैं उनसे कहता हूँ कि भाई अपनी एनर्जी कुछ कम कर लो, ज़्यादा एनर्जी मत दो। रणवीर सिंह का परसोना अब बड़ा हो चुका है, और अगले महीने फरवरी में, 14 फरवरी को उनकी फिल्म आ रही है गली बॉय, उसका ट्रेलर मैंने देखा है, उसके टीजर आपने भी देखे होंगे। एक रैपर का रोल प्ले कर रहे हैं रणवीर सिंह, बिल्कुल डिफरेंट रणवीर सिंह नज़र आ रहे हैं, गली बॉय टाइप के, और ऐसे रणवीर सिंह को तो युवा वर्ग पसंद करेगा। मैंने जब सिम्बा देखी थी तो लड़के लड़कियां रणवीर सिंह की एंट्री पर सीटियां बजा रहे थे। इसका मतलब युवाओं में रणवीर सिंह का क्रेज बढ़ चुका है, और युवा जिसे पसंद कर लेते हैं फिर तो कुछ कहने ही नहीं है। गली बॉय मेरे हिसाब से बड़ी हिट साबित होने जा रही है। जोया अख्तर उसकी डायरेक्टर हैं, आलिया भट्ट हैं इसमें। फिल्म का टॉपिक एकदम यूथ से जुड़ा हुआ है, एक एनर्जी लेवल की बात है इसमें, एक कंपटीशन की भावना नज़र आ रही है, और ऐसी ही फिल्म आज के दौर में चलती है। तो मुझे लगता है।
लगता है कि रणवीर सिंह का जो ऑरा है वो और बड़ा होगा, बड़े सुपरस्टार होंगे। रणवीर सिंह को बेफिक्रे जैसी फिल्मों के चुनाव से बचना चाहिए, क्योंकि बेफिक्रे भले ही यशराज बैनर की फिल्म थी लेकिन उसका कंटेंट बहुत वीक था, प्रेजेंटेशन बहुत ही आउटडेटेड था। ऐसी फिल्मों से रणवीर को बचना चाहिए। साल में भले ही एक फिल्म करें लेकिन आउट एंड आउट कमर्शियल हो और उसकी स्टोरी कंटेंट बढ़िया हो। भले डायरेक्टर रोहित शेट्टी हो, जोया अख्तर हो या फिर संजय लीला भंसाली। देखते रहिए हर्ष की बात। रणवीर सिंह के बारे में आगे फिर बातें करते रहेंगे। नमस्कार।